एफसी पंचित, क्या लग रहा है आज का मैच के बारे में? सर आज तो अच्छा गुड फीलिंग कर रहे हैं, आज फाइनल मैच है तो फाइनल की तरह खेलेंगे। आपका पूरे टीम एकदम जी बिल्कुल बिल्कुल सब परफेक्ट है और खेल के भावनाओं से खेलेंगे। जी बहुत अच्छा बात है, आपको बहुत बहुत थैंक यू। कौन क्लब आपका? चितरंजन क्लब। क्या लग रहा है आपको आज के मैच के बारे में? आज के मैच के बारे में तो लग रहा है अभी फाइनल खेला है तो लड़का हम लोग का जो सेमीफाइनल में गया खेले थे सेम टीम है हम लोग का। अच्छा, तो उम्मीद करेंगे हम लोग जीतने के लिए कोशिश करेंगे। फाइनल है, आज का फाइनल का एक अलग प्रेशर होता है। हाँ, तो आप लोग में तो कोई प्रेशर का तो दबाव नहीं है? नहीं, प्रेशर का दबाव नहीं है, लेकिन हम लोग एकदम पूरा खुल के खेलेंगे। सब अपना लड़का है, सब 100% देके खेलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत आप लोग आपको। गोलकीपर अपना क्लब का पंचित, जोर से बोलिए। अमर मुर्मू फ्रॉम एफसी पंचित। कहाँ से खेलिएगा? स्ट्राइकर। सुनील हसदा मिडफील्डर यूनाइटेड पंचित। मिडफील्डर पंचित। मनमोहन हेमराम स्टॉपर। मिडफील्डर ठीक है ना? लेफ्ट स्टॉपर। मिडिल स्टॉपर। मतलब सजीत मरांडी नाम है और मैं स्टॉपर में खेलता हूँ। राजन चितरंजन क्लब से लेफ्ट स्टॉपर। कमेटी के मेंबर है देवजीत सिंह, सलीम जी,
चितरंजन मेड हाफ चितरंजन टीम से है। मेरा नाम है सागन सोरेन, हम स्टॉपर खेलते हैं। चितरंजन सर है, मैं स्ट्राइकर खेलता हूँ। दिलीप मुर्मू मेरा नाम है। ऑलराउंडर टीम से हूँ, मेरा नाम खुदीराम मुर्मू। चश्मीर अमरम कहाँ से खेलते हैं? हाफ मिड हाफ। परवेज खान कहाँ से खेलते हैं? जी गोलकीपर। सुखदेव बास्के लेफ्ट साइड डिफेंडर। सुदर्शन किसको लेफ्ट विंग? वसीम मीर स्ट्राइकर। एमडी जहांगीर विंग हाफ। थोड़ा एक मिनट खड़ा जी भैया।
हमने क्यों सलाह, हम मेरा लोग फिर भी नहीं निकल जा बाबू, तुम लोग निकल लो, बोलते जाओ यहीं रहना, यहीं रहना, ज्यादा रहना होगा तब यहीं रहना, सब लाइन में रहो, लाइन में रहो, सुन लो सब आइए वहीं भैया घूमिए थोड़े इधर भैया। हाँ हेलो, हाँ उसका पास हो गया, लाइट हुई है कैफस ग्राउंड में आज फाइनल का जो आयोजन किया जा रहा है फुटबॉल का, और निश्चित रूप से यहां देखकर ऐसा प्रतीत में जो फाइनल का मुकाबला आज होने जा रहा है यह बहुत ही अच्छा देखने को लग रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है किसी हम लोग राज्य स्तरीय किसी स्टेडियम में हम लोग यह खेल देख रहे हैं, और निश्चित रूप से आयोजनकर्ताओं ने बहुत ही अच्छा यह आयोजन किया है, और निश्चित रूप से खेल जो है निश्चित रूप से ग्राउंड वाला खेल हर युवा को अपनाना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड वाला खेल से शारीरिक और मानसिक विकास होता है, और शारीरिक और मानसिक विकास होगा तो निश्चित रूप से उसका सोच उसका विचार भी उच्च होगा। इस लेकर के हम खिलाड़ियों से कहना चाहेंगे आप निश्चित रूप से अच्छा खेलें, देश के लिए खेलें, राज्य के लिए खेलें, अपने क्षेत्र के लिए खेलें, और निश्चित रूप से खेल में भी राज्य सरकार ने जिस प्रकार से युवाओं को आगे प्रोत्साहन करने का काम किया है, राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति भी दे रहे हैं सरकार और प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह सरकार युवाओं की सरकार है और युवाओं के लिए काफ़ी कुछ इस सरकार में आगे भी योजना बनाई जा रही है। और ये जो ग्राउंड है ये बहुत पुराना ग्राउंड है और आप इसका तो हालात देखे ही हैं। निश्चित रूप से यह ग्राउंड जो है काफ़ी पुराना है, मैं भी कभी खेला करता था जी, और इस ग्राउंड में मैंने भी अपना फुटबॉल खेला है, तो निश्चित रूप से इस खेल के दरमियान में जब मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ तो यह खेल का मैदान देख करके काफ़ी दुख हो रहा है, और मैं निश्चित रूप से प्रयास करूँगा इसका जो भी जीर्णोद्धार के लिए प्रयास होगा मैं जरूर करूँगा। Thank you.
हमारे मैदान पर आ चुके हैं श्री रमेश टुडू जी, जनाब मोहम्मद गुलाम कुरैशी जी, क्या की मुखिया लक्ष्मी देवी, और 4:10 हो चुका है। रेफरी महोदय से अनुरोध है, ठीक है, चलिए फुटबॉल के फाइनल को आरंभ करें। बोल रहा हूँ, कितना मिनट का मैच होगा आज? 30-30 मिनट का फाइनल मैच है। हमारे मुख्य अतिथि श्री रमेश टुडू जी और उनके साथ जनाब मोहम्मद गुलाम कुरैशी, विश्व कपिल बनर्जी, संजीव रंजन का आज बचाइएगा आप लोग, ठीक है, एकदम बचाइए, एकदम कल हार गया था। Thank you.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री रमेश टुडू विशिष्ट और मुख्य अतिथि आ चुके हैं और इस फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच का लुत्फ उठाते हुए और कमेटी के मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि और जितने भी लोग हैं उन लोगों का सम्मान करेंगे हमारे कमेटी के सदस्य जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री रमेश टुडू विशिष्ट अतिथि श्री अरुणव सरकार मुख्य अतिथि श्री रमेश टुडू जी जो के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता जनाब गुलाम कुरैशी जी इन सभी का हमारी कमेटी रुके देख के स्वागत करेगी। और हमारी कमेटी के सदस्य जो हमारे अतिथि का सम्मान करेंगे जनाब सिराज अंसारी साहब जनाब सलीम साहब विक्की यादव रवि साहब हमारे अतिथि अख्तर हुसैन अंसारी जी जो के झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं हमारे अतिथि वो भी हमारे बीच आ चुके हैं। अख्तर हुसैन अंसारी जी और हमारी कमेटी की ओर से आगे बढ़ते हुए सराज अंसारी श्री रमेश टूटी जी का अभिवादन करते हुए स्वागत करते हुए बैगनी कलर की जर्सी में जो टीम देख रहे हैं वो पंचायत की टीम है और ब्लू कलर की जर्सी में वो चित्रंजन 11 की टीम। अभी तक दोनों टीमों के स्कोर 0 है। टीम के छत के ऊपर दर्शक मंदिर साइड पर भी छत के ऊपर दीवार के ऊपर सभी तरफ दर्शक खचाखच भरा हुआ है इस ऐतिहासिक मैदान में। रिकॉर्डिंग चल रहा और शहीद भगत सिंह मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता का
ये फाइनल मैच है। जो दर्शक देर से इस मैदान पर आए हैं उन्हें मैं बता दूं कि बैगनी कलर की जर्सी में पंचेत की टीम और ब्लू कलर की जर्सी में चित्रंजन 11 की टीम। अभी तक किसी भी टीम ने कोई गोल नहीं किया है, दोनों ही टीम शून्य पर और काफी अच्छा पास यहाँ पर लगातार अच्छी कोशिश। लगभग 15 मिनट होने चला है, अभी तक कोई गोल नहीं हुआ है। आप खड़ा होकर रिकॉर्डिंग कीजिएगा। शुरू वाले का विषय
चलो हटो हटो हेलो
दोनों ही टीम के बीच एक गोल के लिए, लेकिन दोनों ही टीम अभी तक निराश। नंबर 100 टाइल 100 उन्होंने इस गोल को बचाया। शहीद भगत सिंह मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता को सफल बनाने में जिनका सबसे अहम भूमिका है वो है हमारे दर्शक, जिन्होंने अभी तक सभी मैचों में हमारा भरपूर सहयोग किया है, तभी हम इस प्रतियोगिता का आयोजन कर पाए हैं। और इसका परिणाम है कि आज शहीद भगत सिंह मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच देख पा रहे हैं आप सभी दर्शकों का। और कृपया दर्शकों से अनुरोध है कि मैदान के बीच ना आए, बैठे रहे, तो चंद मिनटों के बाद ये खेल शुरू कर दिया जाएगा।